ये सुंदरगढ़ है, हरा भरा, सुंदर, शांत, अपने आप में मस्त, फैले हुए जंगलों के बीच धान के ये खेत, ये हरी भरी लहलहाती फसलें, ये सब इसकी आज की कहानी है। यहाँ के लोगों में ट्राइबल का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा लोग ट्राइबल कम्युनिटी का है, एंड डिफरेंट कम्युनिटी का भी ट्राइबल इधर रहते हैं, ओराम, मुंडा, किसान, खड़िया। आज का सच जिसे पाने के लिए इन्हें और सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा, योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाने पड़े। बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष रूप से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है ताकि उनकी सोचों में बदलाव लाया जा सके, आने वाली पीढ़ी को पिछड़ेपन से छुटकारा दिलाया जा सके। आंगनवाड़ी केंद्र इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जहां और बातों के अतिरिक्त बच्चों और माताओं को इम्यूनाइज अर्थात रोग मुक्त करने के लिए टीके लगाए जाते हैं और दवाइयां दी जाती है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए खाना और माताओं की देखरेख निशुल्क की जाती है। पहले यहाँ कॉन्शस नहीं थे बच्चे के ऊपर, अभी उन लोग कॉन्शस हो रहे हैं धीरे धीरे, 1 और 2 बच्चे के अंदर कन्फाइन करने के लिए, क्योंकि अपना बच्चा उनका हेल्दी और इंटेलिजेंट रहे, उसको कैसे हिसाब से उन लोग पढ़ाएं और उसको कैसा आगे ले सकें, ये सब के लिए उन लोग अभी कॉन्शियस होने चले हैं। और इस हिसाब से अगर काम चला तो हम सोच रहे हैं विद इन 5 ईयर सुंदरगढ़ का जो इकोनॉमिक कंडीशंस है और जो मतलब आगे का जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। इस बात को सुनिश्चित बनाने के लिए ऐसी योजनाओं का लाभ हर एक तक पहुंचे, कार्यकर्ता घर घर जाकर इस लक्ष्य को पूरा करते हैं। बच्चों को अनुशासन सिखाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जो बच्चे ठीक से नहीं देख सकते या नेत्रहीन हैं अथवा सुन बोल नहीं सकते, वो जिंदगी की दौड़ में पीछे न रह जाएं, उनके लिए विशेष स्कूल बनाए गए हैं जहां नेत्रहीनों को ब्रेल लिपि में पढ़ाया लिखा जाता है। और जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते उन्हें सांकेतिक भाषा में शिक्षा दी जाती है ताकि वो आगे चलकर आत्मनिर्भर हो सके। ये सुंदरगढ़ जिला का एक ही रिकॉग्नाइज अंधा और घूंगा स्कूल है जो उड़ीसा सरकार का महिला और शिशु विकास विभाग से अनुदान आता है और जिला रेडक्रॉस संस्था से यह चलता है। महानगर में बैठे आम आदमी के मन में आदिवासी की जो छवि बिठाई गई है उसके विपरीत जब उसे यह बताया जाता है कि आदिवासी लड़कियां बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ती हैं तो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह सत्य है। यहाँ पर खाने पीने खेलने का सुविधा है,
यहाँ पर संग साथी में मज़ा लगता है। दीदी लोग हमारे साथ रहते हैं। शिक्षा दूर निकट हर एक तक पहुंचे, इसके लिए विशेषकर लड़कियों के लिए उच्च स्तरीय बोर्डिंग स्कूल बनाए गए हैं। ऐसे स्कूलों में लड़कियों के बहुमुखी विकास के लिए व्यायाम और खेलकूद के अतिरिक्त बागवानी आदि भी शामिल रहती है। हमारे स्कूल के नाम के जामपाली कन्या आश्रम, हमें यहाँ सब मिलेला, स्कर्ट ब्लाउज खाए पिए सब रकम कर मिलेला, और यहाँ सब काम मन होल बगीचा में सब आलू भट्टा बिलाती बैगन खोड़ा गंगरा झिंगा मन सब हमें वहाँ रोपेला। इस प्रकार की या दूसरी उपलब्धियों से संतुष्ट होकर बैठा जाए, अभी वो समय नहीं आया। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पिछड़ेपन के निशान आज भी हमारे सामने खड़े होकर हमें चुनौती दे रहे हैं, जिनसे हमें निपटना है। सुंदरगढ़ में आदिवासियों को बीमारी की स्थिति से निपटने के लिए अब अच्छे अस्पतालों का निर्माण किया गया है, जहां चिकित्सा की हर सुविधा उपलब्ध है। आदिवासियों की आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए इन अस्पतालों में निशुल्क दवाइयां और निशुल्क खाना भी दिया जाता है। विभिन्न योजनाओं और अथक परिश्रम का परिणाम ये है कि आज के सुंदरगढ़ का आदिवासी भी पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान की तरह हल जोतते हैं। धान की पौध तैयार करता है, पारिवारिक समूह में धान रोपता है। यही कारण है कि सुंदरगढ़ में कृषि का विकास संभव हुआ है। घरांगन में अनाज सुखाकर उसे सुरक्षित रखने के उपाय करता है। ये उसका जीता जागता प्रमाण है कि धान की कुटाई की प्रक्रिया जोरों पर है। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए जिन योजनाओं का सहारा लेना पड़ा है, उनमें सबसे अहम है सिंचाई की योजना।
जिनके बिना खेती करना असंभव है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये पितामल इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये दो करोड़ बासठ लाख रुपया में बना है। और उसमें यहाँ पर जो है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी आदमियों से बेनिफिट पा रहा है। यहाँ का जो तो 2266 फैमिलीज उनका लाभ उठाते हैं। उनसे अबाउट 60-70% है जो है आदिवासी पीपल्स है। और जो यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो आदिवासी लोगों का जो स्टैंडर्ड लिविंग वो बढ़ गया है। जिसमें आदिवासी लोगों का जमीन है अराउंड 20,000 हेक्टर। ऐसे गवर्नमेंट हमको देला बादाम चाष करवा को, बादाम चाष कर हमके देला तार बाद रे हमें बादाम चाष कर लो, हमार फायदा भी होला और गवर्नमेंट रो हमार मोटर भी पैठा बसाला और मोटर बसा कर हमको फायदा भी देगला देला बोले हमको होला खुशी। इस प्रकार की सफलता ने आदिवासियों का जीवन बहुत आसान कर दिया है। लेकिन अतीत के अभाव और पिछड़ेपन के निशान आज भी कहीं किसी कोने किसी दूर के गांव में शेष है, लेकिन इनका मिट जाना निश्चित है। अब एक और यदि अतीत के चिन्ह अब भी कहीं किसी कोने में हमें चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी ओर लगता है समय बहुत आगे निकल गया है। जहां कोई लड़की पत्तों की झोपड़ी के बाहर गीले सरकंडों से चूल्हा जलाने की कोशिश में अपनी आंखों का पानी नहीं बहाती, बल्कि ट्रैक सूट पहनकर लड़कों को कुशल खिलाड़ी बनाने की ट्रेनिंग देकर अपनी क्षमताओं का लोहा मनवा रही है, मैं अभी सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एथलेटिक का ऊपर कोचिंग करती हूँ। यहाँ सब आदिवासी बॉयज़ है मेरे पास। ये डिस्ट्रिक्ट 4 रिप्रेजेंट किया है अभी ओलंपिक में। उसके अंदर दिलीप तिर्की, लजरी सुबरला, रचिता पंडा और अनुराधा बिस्वल है। ये आदिवासी पीपल के ऊपर मैं कोचिंग करके खुद बहुत अच्छे महसूस करती हूँ, क्योंकि ये लोग का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है। थोड़ा कोचिंग करने के बाद ये लोग बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करते हैं। और एक छवि ये भी है जहां आदिवासी औरतें अभी भी रेशम पहनने का सपना ही देखती हैं, जबकि दूसरों के लिए बहुत ही सुंदर रेशम बुनती हैं। केवल बुनती ही नहीं, बल्कि रेशम के तार तैयार करने से लेकर उसे खड्डी पर बुनने तक हर एक काम खुद करती है।
पर यह भी सच है कि ये जाति कुछ भी करे, कहीं भी रहे, वनों से इसका प्यार, जंगलों से इसका मुंह छूटेगा नहीं। और ये वन भी इनकी जीवन धारा को बनाए रखने के लिए एक मुख्य स्रोत रहे हैं और ये सिलसिला आज भी कायम है। आदिवासी पुरुष हो या नारी, जो भी काम करते हैं बड़ी लगन से करते हैं। संभवतः इसलिए कि अतीत में उनका हर काम सर्वाइवल के लिए ही रहा है और अब ये उनके स्वभाव का एक अंग बन गया है। यही कारण है कि उनके हाथ की बनी कोई भी चीज सभी पसंद करते हैं। पघा में एकदम हमरे 10 रुपया में बेचा थी, 5 रुपया सौदा करा थी, 5 रुपया चावल बेचा थी प्रभु के धन्यवाद में। और का में हमरे पोसा, यही में हमरे पोसा थी, सब रकम हुआ थी। गरीबी का एक मुख्य कारण है जो मनी लेंडिंग। गांव में जो मनी लेंडर रहते हैं वो लोग बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेट में मनी लेंड करते हैं। ये मनी लेंडर का जो ये एक्सप्लोइटेशन है उसके लोगों को कुछ उससे लोगों को प्रोटेक्शन देना, इसलिए सरकार ने एक रेगुलेशन पास, एक रेगुलेशन एनफोर्स किए हैं, रेगुलेशन 2 ऑफ 1956। उसका प्रोविज़न ऐसा है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनका बिना अनुमति से, उनका बिना परमिशन से कोई ट्राइबल दूसरे नॉन ट्राइबल आदमी को अपना जमीन भेज नहीं सकता है। अनाज हो या अनाज के बीज या ऐसी ही कोई और वस्तु, इसे सुरक्षित रखने तथा इसका लाभ आदिवासियों तक पहुंचाने के काम को सुनिश्चित बनाने के लिए ट्राइफेड बहुत बड़े पैमाने पर कार्यरत है। जहां पे भी हम अपना विक्रय का काम करते हैं या क्रय विक्रय का काम करते हैं वहां पे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करते हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी भाई बहन होते हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हाट बाज़ारों में आके जो मूल्य हमने निर्धारित किया हो उस मूल्य पे वो वहाँ पे सारी पदार्थें खरीदते हैं, वो ट्राइफेड को देते हैं। हाट बाजार हर आदिवासी के लिए मनोरंजन का साधन भी है और उसकी आवश्यकता भी। हाट बाजार लगते ही हर आदमी अपना अपना उत्पाद लेकर हाट पर पहुंच जाता है, कोई कुछ लेने के लिए तो कोई कुछ बेचने के लिए। कोई बस यूं ही तो कोई मौली पीने के लिए। बेचने खरीदने और यूं ही घूमने का यह सिलसिला सूर्यास्त तक चलता रहता है और इसके बाद बेच खरीद कर सभी अपने अपने घरों की ओर राह लेते हैं। आदिवासियों का कला कौशल बेजोड़ है, उन जैसा ही सीधा सरल अभिव्यक्ति वाला।
लेकिन अब इसमें कहीं कहीं आधुनिकता की झलक भी नजर आने लगी है। ये उनके पारंपरिक कला कौशल को कहां ले जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। परंतु अभी इसके विस्तार के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, ये आज के समय का सच है। सुंदरगढ़ घूमने के बाद जो चीज हर जगह बिना मांगे ही मिलती है, वो है यहां के लोगों की मोह लेने वाली मुस्कान, जिसे देखकर विश्वास सा हो जाता है कि आने वाला कल निश्चय ही इनका है।